हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। इससे पहले मैंने आपको टाइमर के बारे में बताया था, ठीक है। आज हम आपको टाइमर के कनेक्शन करके दिखाएंगे। इसका मेंस जो डायग्राम है इधर देखिए, इसमें 7 और 8 NVC कॉइल का टर्मिनल है और 13 वाला कॉमन रहेगा, 14 NC है, 15 NO है। तो NC और NO पर हमने एक क्लैंप जोड़ दिया है, जो इसमें टाइमिंग सेट किया है उसी के अकॉर्डिंग ये काम किया करेगा। पहले NC वाला लैंप जो NC टर्मिनल से कनेक्ट है वो लैंप ग्लो करेगा, उसके बाद जो टाइमिंग सेट है उतनी देर के बाद जो NO वाले टर्मिनल से लैंप कनेक्ट है दूसरा लैंप, वो लैंप ग्लो करेगा, ठीक है। इसका मेन यूज 3-phase इंडक्शन मोटर के ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर में किया जाता है, ठीक है। अभी इसको ऑन करेंगे, चलो मैं इधर ऑन करूँ। देखिए इस पर टाइमिंग जितना सेट है उसी के अकॉर्डिंग्स काम करेगा। यहाँ पर इसका देखिए टाइमिंग 10 सेकंड सेट है और मल्टीप्लायर में 2 यानी कि 20 सेकंड। आफ्टर 20 सेकंड्स NC वाला NO हो जाएगा। देखते हैं अभी आफ्टर 20 सेकंड्स NO वाला NC बनेगा, तो अपने आप ही दूसरा लैंप ग्लो करना चाहिए। ये देखिए इस तरीके से, पहले जब हम इसको दो कॉन्टैक्टर्स के लिए यूज़ करेंगे, ये वाला जो पहला NC वाला था स्टार्ट, इसमें स्टार कॉन्टैक्टर कनेक्ट रहता है और बाद में मोटर डेल्टा में चलती है, तो दूसरी बार में डेल्टा को सप्लाई जाता है। या इसका डायग्राम बाद में हम दूसरे वीडियो में समझाएंगे आपको ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा का, उसमें केवल NC यूज करके भी हम बना सकते हैं, ठीक है। ये एक टाइमर स्विच है जिसका प्रयोग दो स्विचों में इंटरचेंज करने के लिए करते हैं। जितना आप इसमें टाइमिंग सेट करेंगे उसके अकॉर्डिंग्स ये उतनी देर तक एक सर्किट को ऑन रखेगा और उसके बाद दूसरे सर्किट को ऑफ कर देगा, ठीक है। आप इसे सर्किट को ऑन भी करवा सकते हैं और ऑफ़ भी करवा सकते हैं।